नमस्कार, शाम 5 बजे आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत सेबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। 331 कंपनियों की ट्रेडिंग पर सेबी ने बैन लगा दिया। इन कंपनियों पर शेल कंपनीज होने का शक है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। शेल कंपनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 331 कंपनियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है। सेबी को अंदेशा है कि ये कंपनियां या तो शेल कंपनियां हैं या तो उससे जुड़ी हुई हैं। सेबी ने बीएसई, एनएसई और एमएसई एक्सचेंजेस को इन कंपनियों में ट्रेडिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसमें गैलेंट स्पात, प्रकाश इंडस्ट्रीज, री एग्रो, पिनकॉन स्प्रिट और पार्श्वनाथ डेवलपर्स जैसी कंपनियों के नाम है। दरअसल सेबी का ये आदेश कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय की लिस्ट पर आधारित है, जिसे SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने तैयार किया है। मंत्रालय ने सेबी को ये लिस्ट देकर इस बात की आशंका जताई है कि ये शेल कंपनियां हो सकती हैं। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने सेबी से कहा कि वो इस मामले की जांच के लिए स्पेशल ऑडिटर्स की नियुक्ति करे और रिपोर्ट आने तक ट्रेडिंग पर रोक लगाए। सेबी ने MCA की चिट्ठी के बाद एक्सचेंजेस को इन लिस्टेड कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसमें 166 उन कंपनियों के नाम हैं जिन पर पहले से ही सेबी का बैन है, जबकि बाकी 165 कंपनियों पर सेबी ने अब बैन लगाया है। कोई भी मिशन, जैसे बोल सकते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट को क्लीन करना है, सेफ बनाना है, तो हम कभी भी इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचेंगे बोले कि हाँ आज मेरा स्टॉक मार्केट बिल्कुल सेफ हो गया, इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, नए नए प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और उसको टैकल करना है। यही लॉ मेकर का ड्यूटी है, प्रोएक्टिव मेजर से ठीक करे या रिएक्टिव मेजर से ठीक करे। इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा झटका यह भी है कि सेबी ने लिस्ट में शामिल इन कंपनियों को सीधे ग्रेडेड सर्विलांस मेजर यानी GSM के छठे स्टेज पर रखा है। यानी अगर लिस्ट में शामिल कोई भी कंपनी GSM के किसी भी स्टेज पर पहले से है तो उसे भी अब छठे स्टेज पर रखा जाएगा। कंपनियों को GSM में रखने का मतलब ये है कि लिस्ट में शामिल कंपनियों में हर महीने के पहले सोमवार को ट्रेडिंग होगी, यानी अगली ट्रेडिंग अब सीधे 4 सितंबर को होगी। इसमें भी शर्त ये है कि इन कंपनियों में खरीदारी नहीं होगी, सिर्फ शेयर बेचे जाएंगे। मतलब इन कंपनियों में लोअर सर्किट लगना तय है। सेबी ने जो लिस्ट दी है और MCA ने दी है, तो मैं मानती हूँ कि इसमें कोई वजह होगी कि इन्होंने ये लिस्ट बाहर निकाली है, लेकिन जो ऑपरेशनल दिक्कतें इन्वेस्टर को आएगी इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। ये सोच अच्छी है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान वाली सोच तो सही है, लेकिन जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसमें निवेशकों को काफी दिक्कतें होगी। इन कंपनियों के शेयर जिन निवेशकों के पास हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि इस महीने का पहला सोमवार निकल चुका है, ट्रेडिंग हो चुकी है। अब निवेशकों को अपने शेयर बेचने के लिए 4 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। इस आदेश के बाद एक्सचेंजेस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है ऐसी किसी भी कंपनी की डीलिस्टिंग अनिवार्य हो सकती है, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगी और कंपनी का डिपॉजिटरी अकाउंट तब तक फ्रीज रहेगा। कंपनियों ने कहा कि सेबी का ये आदेश समझ से परे है। देखिए, शेल कंपनी अगर बोलेंगे तो क्या है कि ऊपर में दिखावा है, नीचे कोई बिजनेस नहीं है। तो अपना जो बैंकर्स है पीरियोडिकली दे कीप ऑन इंस्पेक्टिंग इट्स कॉन्टैक्ट पीरियोडिकली नोटिस भी उन लोग आ जाते हैं, तो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम दैट दिस नॉन कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता। तो उसमें डेफिनेटली मेरे ख्याल से उतना कोई असर अपना नॉर्मल ऑपरेशन में आने का नहीं है। कंपनियां मामले के जल्द सुलझने की उम्मीद जता रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि निवेशकों का जो पैसा डूबा उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि ये मामला 1 महीने या 2 महीने में सुलझने वाला नहीं, तब तक निवेशक फंसा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर सरकार शेल कंपनियों का डेटा तैयार कर रही है, इसकी जांच के लिए सरकार की कई एजेंसियां भी शामिल हैं। सरकार को शक है कि शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। पूरा मामला जानने के लिए आलोक प्रदर्शी के पास चलते हैं। आलोक,
बिल्कुल, देखिए इस पूरे इनिशिएटिव को देखें तो जो ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई चल रही है उस मुहिम से इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मनी को लेकर ही जो शेल कंपनियां हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाती हैं और इस बात को सरकार बखूबी जानती है। इसी वजह से पीएमओ के निर्देश पर एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया और कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी तपन रे की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स काम कर रहा है और उसी टास्क फोर्स के आदेश पर ये तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे उसमें SFI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सेबी हो, ये तमाम जो मल्टी एजेंसीज हैं ये लगातार काम कर रही हैं और जो अभी की कार्रवाई हुई है वो SFIO के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। SFIO ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि जो तमाम कंपनियां हैं, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी सेल कंपनियां हैं और लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनियों से कोई पेनी स्टॉक्स या कोई सेल कंपनी जुड़ी हुई है जिन्होंने इन कंपनियों को मनी लॉन्डर करने का या फिर काले धन को सफेद करने का एक तरह से एक सपोर्ट किया है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है और इसी आधार पर इन 331 कंपनियों की लिस्ट बनाकर SFIO की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजी गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 9 जून को ये लिस्ट जो है सेबी को भेज दी और उसके बाद सेबी ने खुद इस मामले की पूरी तहकीकात की, एक सर्वेलेंस रखा। उसके बाद जो फैसला आया है कि BSE और NSE को ये कह दिया गया है कि इसको ग्रेडेड सर्वेलेंस मैकेनिज्म के स्टेज 4 में डाल दिया जाए ताकि इन कंपनियों में सिर्फ महीने में एक ही दिन ट्रेडिंग हो पाए। तो ये एक तरह से कहें कि बड़ा कदम है सरकार की तरफ से और आने वाले दिनों में ऐसी और रिपोर्ट्स आ सकती हैं। हालांकि SFIO की से हमें जानकारी मिली है कि ये पहला ही अभी कह सकते हैं बैच है जो इस तरह की कार्रवाई हुई है, ये पहला बैच है 331 कंपनियों का। आने वाले दिनों में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और भी कंपनियों के नाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बाजार की बात करें तो शेल कंपनियों को लेकर सेबी के एक्शन से बाजार में बिकवाली देखने को मिली। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट रही। आज के कारोबार में निफ्टी ने 10,000 का स्तर तोड़ दिया और निफ्टी 10,000 के स्तर के नीचे बंद हुआ। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 259 अंकों की गिरावट के साथ 32,014 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 79 अंकों की गिरावट रही। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी और BSE रियल्टी इंडेक्स करीब 4.5% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा तेल, गैस, पावर, बैंक और हेल्थ केयर शेयरों में जोरदार बिकवाली रही। मेटल इंडेक्स को छोड़कर BSE के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर सरकार को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी की ओर से सरकार को 2400 करोड़ रुपए की चपत लगाने की खबर है। देखिए रिपोर्ट। जी न्यूज के सहयोगी अखबार DNA ने किया है ये बड़ा खुलासा। DNA के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी डायल ने सरकार को करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में सरकार को डायल की वादा खिलाफी से 2397 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डायल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अपने राजस्व का 45.99% हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देने को तैयार हुआ था। CAG के ऑडिट के मुताबिक डायल ने AAI को राजस्व का हिस्सा देने का अपना वादा नहीं निभाया। CAG के सूत्रों के मुताबिक डायल ने सिर्फ ADF के रूप में यात्रियों से 3500 करोड़ रूपए से ज्यादा वसूले और इस रकम को दूसरे काम में लगा दिया। अब डायल कह रही है कि उसके पास एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डायल सुरक्षा खर्च के नाम पर यात्रियों पर फिर बोझ डालने की तैयारी में है। डायल कंपनी GMR ग्रुप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जर्मनी की कंपनी फ्रैपोर्ट का जॉइंट वेंचर है। DNA ने इस खबर पर GMR ग्रुप की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की लेकिन अभी तक GMR का जवाब नहीं आया है। डायल को जनवरी 2006 में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का जिम्मा सौंपा गया था। 2009 में UPA सरकार ने डायल को हवाई यात्रियों से एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस यानी ADF वसूलने की इजाजत दी थी। और मेरे सहयोगी दीपू राय इस पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। दीपू, इसमें सरकार को काफी नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है ये कैसे काम कर रहा था?
देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए बिड बुलाई गई थी। आज से करीब आप 20 साल पहले की बात है, जिसमें 2003 या 4 के बीच जब एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इसकी शुरुआत की थी कि देश भर के सारे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाए। 2006 के अराउंड जब बिड बुलाई गई थी तो उसमें कई लोगों ने हिस्सेदारी की थी। जीएमआर के नेतृत्व में एक कंसोर्सियम बना, लेकिन जो एक एग्रीमेंट बना एविएशन मिनिस्ट्री और जीएमआर के बीच में, जिसको ओएमडीए कहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसको लेकर के जीएमआर को जो एक्टिविटीज़ थी वो डिसाइड की गई कि वो डिसाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक एविएशन मिनिस्ट्री और सीएजी के बीच एक बड़ी एक तरह से कहा जाए कंट्रोवर्सी रही इस बात को लेके कि क्या ऑडिट के दायरे में एआई आता है और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर है जीएमआर वो आता है कि नहीं, इसको लेकर के लगातार रस्साकसी चलती रही। 2011 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी और इस बात को उठाया कि नहीं जी, आगे चल करके सीएजी को अधिकार दिया जाए कि वो जीएमआर को भी डायल को, यानी कि जो कि एक कंसोर्सियम का नाम था, डायल कंपनी को ऑडिट करने की उसको जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ये बात धरी की धरी रह गई और केवल एआई को ही ऑडिट करने का दिशा निर्देश मिला। लेकिन उसके बाद सीएजी ने 2016 का एक ड्राफ्ट ऑडिट किया जो जी मीडिया के हाथ लगा। उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि डायल को पिछले 6 साल में करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उसको हुआ है और इसका सीधा नतीजा यह रहा कि जो उसका पार्टनर था एआई, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज थी, उसको लगातार नुकसान होते गया। तो एक बड़े सुलझे तरीके से ये पूरा का पूरा पीपीपी का प्रोजेक्ट नुकसान में चलता गया और एक तरह से सरकार को चुना लगता रहा। लेकिन जब हमने बात की जीएमआर के से, तो जीएमआर का कहना था कि अभी चूंकि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है और उन्होंने जो भी ये काम किए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, वो पुराने जो एग्रीमेंट हैं ओडीएमए के, उसके तहत लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने जो डेवलपमेंट फीस वसूली, उस डेवलपमेंट फीस को क्यों डाइवर्ट किया बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो पैसेंजर से वसूली जाती थी। और आपने देखा होगा कि अभी सीआईएसएफ को लेकर के भी एक बजट को लेकर के एक क्राइसिस उनके पैदा हो गई है। पूरा सवाल इस पीपीपी के स्ट्रक्चर पर उठने लगा है और जो लेटेस्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट है सीएजी की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा लॉस हुआ और एआई लगातार नुकसान में रहा। ठीक है दीपू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर आज नीति आयोग के इंटरनल कमेटी की बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सिक और नुकसान में चल रही सरकारी कंपनियों के विनिवेश या उन्हें बंद करने को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। खासतौर से बचे हुई छोटी पीएसयू कंपनियों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक के बाद इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की मीटिंग होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि आईएमजी की मुहर के बाद इस महीने के आखिर तक सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA का आईपीओ इसी साल नवंबर के आखिर में आएगा। कैबिनेट ने पिछले महीने ही इसके आईपीओ को मंजूरी दी थी। कंपनी आईपीओ के लिए 13 करोड़ 90 लाख शेयर जारी करेगी। आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम रिन्यूएबल कंपनियों को कर्ज के तौर पर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि IREDA रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को फाइनेंस करती है। सरकार का भी रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी फोकस है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा कि पेट्रोलियम और बिजली को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बारे में जल्द फैसला होगा। एसयूवीज पर सेस बढ़ाने के फैसले पर पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और किसी को गैर जरूरी फायदा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी रेट पर फैसला जरूरत के हिसाब से लिया गया है। Either an unfair advantage to one set of industry or a disadvantage to the common man, an item which is used by the poor which needs relief. In both cases, this is a sensitive GST council comprising the center and all the states, and all decisions being made unanimously will certainly ensure that the decisions are in the best interest of India. और भारत में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर हमले का खतरा भी बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय कंपनियों और सरकारी संस्थाओं पर छोटे बड़े साइबर हमले हुए हैं और इन सब के पीछे चीनी हैकर्स का हाथ बताया जा रहा है। यानी कि हम बॉर्डर पर तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा ड्रैगन के डिजिटल अटैक का है। देखिए रिपोर्ट।
डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच तकरार आसमान पर है, धमकियां उधर से भी आ रही हैं, तो बयानबाजी इधर से भी जारी है। लेकिन भारत को सबसे बड़ा खतरा डोकलाम से नहीं बल्कि डिजिटल ड्रैगन से है। भारतीय कंपनियों और सरकारी संस्थानों पर चीन के हैकर्स ने हमला बढ़ा दिया है। पिछले कुछ महीनों में इंडियन कंपनियों पर छोटे बड़े कई साइबर अटैक हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे चाइनीज हैकर्स हो सकते हैं। आमतौर पर हमले के लिए चीनी हैकर्स नॉर्थ कोरिया, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा साइबर अटैक के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। इनके निशाने पर सबसे ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंस, मोबाइल नेटवर्क, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड और ऑटो सेक्टर होते हैं। ये हमले बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी योजना अच्छी तरह बनाई गई होती है। जानकारों के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे दुनिया के कुछ देश के पास साइबर हैकर्स की डेडिकेटेड टीम है। ये देश साइबर हैकर्स को पालने पोसने में माहिर हैं और वो समय समय पर उनका बचाव भी करती है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से लोहा लेने के लिए सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि साइबर वर्ल्ड में भी मजबूत बनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी पर पथराव को लेकर संसद में हंगामा कर रही कांग्रेस आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उठाए सवालों पर खुद बैकफुट पर आ गई। गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर हुए पथराव को बड़ा मुद्दा बनाने में कांग्रेस ने आज पूरा जोर लगाया। कांग्रेस ने संसद में हंगामा किया, कहा कि ये पथराव नहीं बल्कि राहुल गांधी की हत्या की बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग एक तरफ तो गोली मार के जान लेते हैं, यहाँ पर पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है और हम तो डरने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है, शहीद का बेटा है, दो जान यहाँ पर चले गए हैं और एक जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डरने वाले नहीं है। कांग्रेस को डराने की अगर कोई कोशिश करे, अगर कोई हिम्मत करता है तो मैं ये कहता हूँ मैडम स्पीकर, ये तो हमारा। लेकिन कांग्रेस के हंगामे पर जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ ने उल्टे राहुल गांधी और उनके विदेशी दौरों को ही सवालों में खड़ा कर दिया। हेलीपैड पर पहुंचकर श्री गांधी जो बीआर कार होती है, इसे बुलेट रेस्टोरेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कन्वाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना, पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना। मैं अध्यक्ष महोदया विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले दो वर्षों में 121 निर्धारित तथा गैर निर्धारित आंतरिक दौरे यानी देश में उनके दौरे हुए हैं, जिनमें बुलेट रेस्टोरेंट कार का प्रयोग न करके 100 times सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया। पिछले दो वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, यह सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहां गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया। राहुल गांधी 4 अगस्त को गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने बनासकांठा गए थे। बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंका गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि हमला सुनियोजित था और आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। गृह मंत्री के मुताबिक एसपीजी ने राहुल गांधी को कई जगह रुकने से मना भी किया लेकिन उन्होंने कहना नहीं माना। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के नतीजे आने में बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। क्रॉस वोटिंग के दावे दोनों ओर से किए गए हैं। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कुल 176 विधायकों ने वोट डाले। कांग्रेस के 44 विधायक वोटिंग से पहले कड़ी सुरक्षा में विधानसभा लाए गए लेकिन इन 44 में से भी एक ने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया। शंकर सिंह वाघेला और इन विधायकों ने खुलकर इसका ऐलान भी किया। कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं,
तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था। जो हमने वोटिंग किया और सब लोगों ने वोटिंग किया, एनसीपी और कांग्रेस के कई विधायकों ने, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है बलौर से राजपूत जीतेगा। मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है और मैंने सबको बता दिया था। वोट देने के बाद सीएम विजय रूपाणी ने दावा किया कि बीजेपी के तीनों उम्मीदवार अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत राजपूत की जीत निश्चित है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल अपनी जीत को लेकर निश्चिंत दिखाई दिए। कांग्रेस ने दावा किया कि क्रॉस वोटिंग दूसरी ओर से भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए को जो व्हिप मिला है उसी आधार पर हम लोगों ने वोटिंग किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों हमारे कैंडिडेट इस बार जीत जाएंगे। पोलिंग शुरू हो गई है जी, बिल्कुल आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं पूरा आशावादी हूँ और रिजल्ट नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट? ऑफ कोर्स, यस यस ऑफ कोर्स। 44 वोट हमें चाहिए, वो 44 वोट हमें मिल चुके हैं। कांग्रेस की ही स्ट्रेंथ पर इस दफा अहमद भाई जीतेंगे। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 57 विधायक थे। राज्यसभा चुनाव से पहले 6 ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने विधायकों को पाला बदल से रोकने के लिए पहले बेंगलुरु में 10 दिन, फिर आनंद में 2 दिन रखा था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार संसद जाएंगे। अहमद पटेल जीतते हैं तो वो 5वीं बार सांसद बनेंगे। राज्यसभा चुनाव में पहली बार नोटा के विकल्प का भी इस्तेमाल किया गया। और शेयर बाजार की तेजी में अगर आप भी होना चाहते हैं माला माल, कमोडिटी मार्केट में आप बढ़ाना चाहते हैं निवेश की रफ्तार, तो जी बिजनेस और निर्मल बांग आपके लिए लेकर आ रहा है सबसे बड़ा इन्वेस्टर कैंप बियॉन्ड मार्केट इन्वेस्टोरियल, जहां पर बाजार के बड़े दिग्गज आपको बताएंगे शेयर, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी मार्केट में निवेश के टिप्स। 12 अगस्त को हम आ रहे हैं कोलकाता, जहां स्वभूमि द हेरिटेज में सुबह 11 बजे मार्केट के दिग्गजों और निवेशकों का जमावड़ा होगा। अगर आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टर लिखिए और हमें SMS करिए 57575 पर। तो न्यूज़ @5 में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।